यहाँ हरियाणा देखने वाले सारे भाई ने दिनेश जुलाने की राम राम मौजूद हाँ जुलाना के रेलवे स्टेशन पर गोगरा सेवा समिति जो जुलाना में पिछले लगभग 20 वर्षों से जल सेवा दे रही है उस जल सेवा की एक झलक हम आपने दिखावांगे क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है। हर वर्ष लगभग ये अप्रैल के महीने में पानी चालू कर दिया दे हिपकाली ने कुछ लेट पानी चालू कराया कारण के वह भी जानकारी लेवांगे। अब ट्रेन आएगी तो किस तरह ये जो सेवक हैं भाग भाग कर पानी पिलाते वो झलकिया भी आपने दिखावांगे और जो प्रधान जी मौजूद हैं उनसे बात कर लें। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी मेला हाल आग रहा है के कारण है भाई गाड़ी आओगी गाड़ी आप पानी पिलावा गाड़ी पर सर। अच्छा अच्छा जो पानी खातर जो सेवा लाग रही है एक तो समिति समिति के सदस्य देते हो या कोई नहीं भैया ये तो सब हल्के सारे लोगों से सेवा मिलती है ऐसी तो ये सेवा है जैसी सेवा किस प्रकार करो पानी की आप निस्वार्थ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पानी कौन सा पिलाते हो आरओ का है बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी है चिल्ड पानी है। तो ये जो सेवादार लग रहे हैं सारे सेवा में लग रहे हैं या दिहाड़ी मजदूरी बना रखे हैं सेवा में लगे हैं सब दुकानदार अपने गाड़ी का टाइम से पानी पिलाने आ जाते हैं सब सब पानी पहना गाड़ी का टाइम भाई देख सको गाड़ी के टाइम पर सारे पानी पहना जाए। एक ये और है 15 से 20 साल हो गए लगभग हम भी देखा हाँ अब बुजुर्ग हो रहे हैं अब तो पहले नौजवान था चलती गाड़ी में कैंपर लेके चढ़ जा रहा था। राम राम जी। राम राम जी। के कुछ कहोगे जो अपनी समिति लगातार जो पानी पहना भाई मैं तो ऐसा कहूँगा ये तो मतलब बहुत सेवा का काम है हर एक ने सहयोग देना चाहिए हर एक ने मतलब पानी पिलाना चाहिए आना चाहिए यहाँ पर स्टेशन जाके पानी पिलाओ वो थोड़ा बहुत हमको मतलब सहयोग दो। पहले कोरोना काल तो देखा रहे थे तो आपकी टीम नारी दिखा रही थी बहुत सारे व्यक्ति आ रहे थे कोरोना काल के बाद काफी सदस्य कम हो गए ऐसा था कोरोना काल में सब अपने अपने घरों में मतलब जाते थे वो टाइम पे आ जाते थे थोड़ा बहुत सहयोग देने जी जी जी। अच्छा उसके बाद वे अपने अपने काम धंधे पर लग गए उस वक्त खाली थे और अब ये हटे नहीं भाई देख को कुछ और ही हो इस तरह से आरओ का पेयजल ठंडा पानी यहाँ पर कैंपरों में डलवाया जाता है उसके बाद जो यात्री हैं उनको परोसा जाता है पिलाया जाता है जबकि आप देख पा रहे हैं दृश्य में ये विजय भाई है मंडी से जुलाना से और काफ़ी समय से इसी कार्य में लगा हुआ है सब कुछ कार्य छोड़कर इस कार्य में क्यों लगा है जानकारी लेंगे भाई। भाई साहब विजय देखा हड़ मंडी में स्टेशन पर भाजदा पाओ कोडे पर देख लिया और भी तो काम अपना कराइए ये काम क्यों करे हैं आत्मा को सुख मिलता है जी 45 साल हो गए जी पियाते हुए अब ये 46वां साल चल रहा है। अच्छा रात को 7:45 बजे तक हमारे कुरुक्षेत्र आती है उस पे पानी पिला के जब जाते हैं भाई देख को ये देखो आरओ का पानी कैंपर में डलन लाग रहा है और गाड़ी इस समय रेलवे स्टेशन पे आ चुकी है और जो सेवादार हैं क्यूकर पानी के कैंपर ठाठा के बज दे वो मैं दिखाऊंगा ये गाड़ी आनंद हो रही है बस और रेलवे स्टेशन पर बड़े रोड डी एन हरियाणा के साथ ये देखिए यात्रियों के लिए जो पानी की व्यवस्था की आप देख सकते हैं यात्रीगण यहाँ पर पहुँचते हैं और पानी का जो आनंद लेते हैं वो भी पूछेंगे इनसे किस तरह की सुविधा इनको यहाँ पर मिल रही है जी ये यात्रियों को पानी की सुविधा करा के किस तरह कार्य कर रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इतनी गर्मी के लिए ठंडा पानी बच चुकी ना तो पानी कैसा है पानी बहुत अच्छा पानी आरओ का पानी अच्छा भाई देख जो यात्री हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा आरओ का पानी है और यह ट्रेन आ गई है और आपको जहाँ तक नज़र आएगा कैंपर ही कैंपर नजर आएंगे और इस समय स्टेशन पर ट्रेन पहुंच चुकी है और जो सेवादार हैं वो सेवा के लिए भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं स्टेशन पर आप देख सकते हैं और जो यात्रियों को अब पानी पिलाया जाएगा वो भी मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा यात्रियों से भी बात करेंगे जल सेवा को लेकर क्या कहते हैं इसमें आप देख सकते हैं जुलाना के रेलवे स्टेशन पर हम पहुँचे हैं और यात्रियों के लिए जो पानी की सुविधा है वो शुरू कर दी गई है आप देख सकते हैं समिति के प्रधान हैं और भी सदस्य हैं लगातार इस सेवा में लगे हुए हैं आप देख सकते हैं और ट्रेन आई है और किस तरह से जल सेवा होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ये देखिए अभी से आप जो दृश्य देख पा रहे हैं देख सकते हैं ये देखिए भाई सेवादार है पानी के लिए आवाजें लगाते हुए आप देख सकते हैं जुलाना के रेलवे स्टेशन का ये दृश्य है और ये देखिए बोतलें भी मैं आपको दिखा दूंगा ये देखिए इस तरह से बोतलें लेकर इंतज़ार करते हैं पानी भरवाने के लिए आप जो देख पा रहे हैं इस समय देखिए बोतलें यहाँ पर पहुँचते ही निकल गई हैं इस समय जो आप देख पा रहे हैं इधर ले आओ भाई ये देखिए इस तरह से जल सेवा जुलाना में की जाती है और जल सेवा को लेकर क्या कहते हैं यात्री बात भी करेंगे हम काफ़ी लोग यहाँ पर जुलाना के क्या कहेंगे जी जो जल सेवा यहाँ के यात्रियों को दी जाती है जुलाना वासियों के द्वारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कहाँ से आए आप कहाँ जा रहे हैं हम तो आना से आए हैं नई दिल्ली जा रहे हैं नई दिल्ली जा रहे हैं ये देखिए भाई
जो यात्रियों को जल सेवा दी जाती है तो यात्री कहते हैं कि बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दृश्य में इस तरह से गर्मी के मौसम में यहाँ पर जो जल सेवा दी जाती है उसका दृश्य आप देख सको हो। इस समय जो यात्री हैं ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जल सेवा का दृश्य है जुलाना के रेलवे स्टेशन का, जो आप देख पा रहे हैं इस समय इस तरह से जल सेवा यहाँ पर दी जाती हैं। महिला सेवादार भी हैं और पुरुष भी, आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर जल सेवा देने के लिए पहुँचते हैं। ये देखिए, ये देखिए जो पानी लेने के लिए बोतलों को लिए हुए इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए बोतलों को ले ले, अरे गिलास तो डाल दे नीचे, हेलो गिलास है, ये देखिए भाई इस तरह से जो जल सेवा होती है आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, और हरी झंडी दिखा दी गई है, ये देखिए आप देख सकते हैं जो सेवादार थे और महिला सेवादार थी उसे बात करेंगे। ये देखिए अब ये जल सेवा दी है, हाँ जी जल सेवा कब से चल रही है आपकी? जल सेवा काफी टाइम हो गया। तो आज जो स्टेशन पर गाड़ी पहुंची पानी खत्म हो गया तो कैसा लगा? ये जैसे पानी खत्म हुआ है कैंपर में सारा, बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहोगे जो जुलाना की अन्य महिलाएं भी हैं जो घर पर अपना टाइम पास करते हैं यहाँ पर आप पानी पिलाने के लिए आते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? नहीं कहूँगी, यहाँ पे वे आए देखे पिलाएं तभी उनको ये पता लगेगा कि मतलब क्या चीज है ये। तो गर्मी के मौसम में आपको ये नहीं लगता भी गर्मी में क्यों मर आएगी यहाँ पानी पिलाने आ जाते हैं? गर्मी यहाँ तो गर्मी लगती नहीं, गर्मी नहीं लगती, गर्मी लगती है। जैसे कि अंकल और भी लोग आते हैं ट्रेन में आते हैं, उन्हें भी प्यास लगती है तो उनके लिए हमें भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है कष्टी। अच्छा सर, तो 10 लोगों की भलाई के लिए अगर थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैसा अनुभव करते हो पानी सेवा देकर? बहुत अच्छा लगता है सर, आराम मिलता है, ऐसे मन को शांति मिलती है कि हमारी वजह से किसी को पानी मिल गया। क्या नाम है? मेरा नाम मयंक है सर। सेवा का दृश्य